अपना अचार बनाना सिखाऊंगी जो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा और 2 दिन के बाद आप उसको खा भी सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे लिंक्स पर मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जियों को धोकर अच्छे से काटकर और सुखा लीजिए। उसमें पानी नहीं होना चाहिए, आप जिस चीज़ का भी डालना चाहते हैं उसका डाल सकते हैं। और एक ग्लास जार आपको लेना है, वो भी आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अभी इसमें हम मसाले लेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लेना है इसमें हमें, सॉल्ट लेना है एज पर टेस्ट, विनेगर है और सरसों राई, मस्टर्ड सीड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जियां लेंगे, इसमें आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। जैसे इसमें मैंने गाजर लिया है, गोभी लिया है, ग्रीन चिल्ली ली है, मोटी वाली जो रहती है वो लिया है, और रेड चिल्ली लिए हैं। आप इसमें शलगम भी डाल सकते हैं, आप किसी और वेजिटेबल का डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसमें हम लोग सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे सरसों राही, इसको हमने पीस के डाला है। और इसके बाद हम लोग डालेंगे विनेगर यानी कि सिरका, सिरका हमने 1/2 टीस्पून डाला है। और इसके बाद हम डालेंगे ऑयल, 2 टेबलस्पून हम लोग ऑयल डालेंगे। सिरका बेसिकली मैं इसलिए डाल रही हूँ इसमें ताकि हमारा अचार जो है ख़राब ना हो। सिरका डालने से हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। और इसके बाद हम लोग लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद इसको अच्छे से हम लोग शेक करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 या 2 दिन की तक इसको धूप में रखेंगे। अगर अच्छी धूप है तो अचार जल्दी पक जाएगा, अगर कम धूप लगती है तो 2 दिन के अंदर बन जाएगा आपका अचार। ये देखिए, ये हमारा अचार तैयार हो गया है। और इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। ये हमारा अचार तैयार हो चुका है। आप इसको किसी भी स्टफ पराठे के साथ और दही के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।